हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से। फटाफट एक बार कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए मुझे कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, अगर आवाज़ और विजिबिलिटी दोनों चीज़ें ठीक हैं तो सभी के सभी मित्र, सभी के सभी दोस्त एक बार फटाफट मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें TGT PGT और ELT ग्रेड GIC को लेकर तथा BPSC जो Tier 2 के एग्जाम्स हैं उनको लेकर राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर सभी बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। जिन लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी है उनके लिए हम जीव विज्ञान की धुआंधार क्लासेस चला रहे हैं, UPTGT और PGT, ELT और GIC के लिए। उनके लिए अभी हमने एक लेटेस्ट और नया बैच शुरू किया है, डार्विन बैच। अगर आप भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो डार्विन बैच पे जाइए और डार्विन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि जो BPSC बिहार के लिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स, इनकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। इसका क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था, फीस मात्र 1499 रुपये है। हमने इनको क्लास नोट्स PDF भी दिया और PDF के साथ साथ हमने एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस की PDF भी प्रोवाइड करी इसी कोर्स में। मात्र आप देख पा रहे हो क्रैश कोर्स 1499 रुपये में, क्लास नोट्स PDF जूलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, बच्चों से प्रॉमिस जैसा मैंने किया था वैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम टॉपिक वाइज पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं BPSC को लेकर, स्पेशली उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो बच्चे जिनका सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी है वो कॉल या मैसेज करके इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिनको नोट्स या PDF चाहिए, अभी समय है आपके पास, वो नोट्स पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, एग्जाम में डायरेक्ट आप परीक्षा पास करेंगे। उसके साथ साथ में देखेंगे डार्विन बैच हमारे यहाँ क्यों ज्वाइन करें, उसका फीस मात्र कितना है 2499, 2499। इस फी को पे करेंगे तो जिससे आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने का प्रमुख कारण ये है क्योंकि हम बायोलॉजी को बायोलिंगुअल पढ़ाते हैं, बायोलिंगुअल बोले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाते हैं। पेड टेस्ट सीरीज है, फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, NCERT वेस्ट कॉन्टेंट बिट DPP, ये सारी की सारी जितने भी अगर हम बात करते हैं तो सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस विद इन टाइम। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बताते हैं फीस में भारी छूट है 2499 रुपये में, 2499 इस समय, जो 699 फीस है उसका ऑफर के साथ हम भारी डिस्काउंट दिए हैं। स्पेशल ऑफर चल रहा है और लगातार अभी ऑफर चल रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। जब राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो इसी पे कोर्सेज वाले फोल्डर में जाएंगे और कोर्सेज वाले फोल्डर में आपको ऑल कोर्सेज दिख जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जो भी कोर्स आपको परचेस करना है उसको परचेस करके धुआंधार अपनी क्लासेस को प्रारंभ कर लो, है ना। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे, नया बैच प्रारंभ हुआ है और इसकी फीस बहुत ही कम है। और दूसरी चीज़ ये है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 9795879197। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, कोई किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं एक सेकंड के अंतर्गत सभी बच्चों के कमेंट्स ले लूँ। तो एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये भी बता देंगे क्या आप सभी क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए तैयार हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का जो हमारा सेशन है उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं सबसे पहले कुछ बच्चों के नाम ले लेता हूं, सोनम सिंह, सौमिता, प्रिया प्रिया, DS, अस्मिता, हाँ बिल्कुल, संजीव, क्या कह दिया ऐसा राजपाल ने जिससे सबके सब खुश हो गए हैं। हाँ, राजपाल डिसिप्लिन में आ गए, हाँ चलो भाई ठीक है, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी एकदम से तैयार हैं। चलो ठीक है, तो आज के सेशन को शुरुआत करें। तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे फटाफट कमेंट्स के माध्यम से पोटेंशियल एनर्जी दिखाएंगे, एनर्जी का लेवल दिखाएंगे कि क्वेश्चंस का जो एनर्जी लेवल है वो एक बार चैट सेक्शन में देखना चाहिए कि आप लोग कितना तैयार हैं क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए। तो आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और आपको पता है जूलॉजी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिजाइन करे गए हैं स्पेशली BPSC को लेकर, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपिक वाइज बोले तो मतलब जूलॉजी के अलग हैं, बॉटनी के अलग हैं। जैसे कि बच्चों का लगातार मानना है कि सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें जूलॉजी और बॉटनी के अलग अलग क्वेश्चंस दे दे रहे हैं। चलिए, बेहतरीन, वेल डन सुषमा,
रुचि एकदम से आग लगा दी है कमेंट बॉक्स में, है ना अमृता प्रीति चौधरी। चलो कमेंट बॉक्स में कोमल भार्गव बिल्कुल आग लगा दी है। चलिए आइए, तो सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसके बहुलक हैं? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, बताइए ये प्यूरिन के हैं, पायरिमिडिन्स के हैं, न्यूक्लियोसाइड्स के हैं या न्यूक्लियोटाइड्स के हैं, या प्यूरिन या पायरिमिडिन्स के या न्यूक्लियोटाइड्स के। सबसे पहले तो आप लोगों को बताया था मैंने, अभी मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, कंप्लीट भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होती है आरएनए डीएनए, ये बीएसपी के बने होते हैं। बीएसपी बोले तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, क्या बताया था भाई मैंने, नाइट्रोजनस बेस और एस से बताया था शुगर, और कौन से शुगर, पेंटोज शुगर। अच्छा पूरा लिखता हूँ, मैंने बताया था पेंटोज शुगर, एस फॉर है शुगर और पी फॉर है फास्फेट, क्या है फास्फेट। तो कुल मिलाकर ये बेस शुगर फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर अगर दोनों हैं तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, यानी बीएसपी अगर तीनों हैं, सॉरी बी बेस और शुगर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इससे जब हम फास्फेट माइनस कर देते हैं, और अगर तीनों हैं बी एस पी तो इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। प्यूरीन पायरिमिडीन ये नाइट्रोजनस बेस हैं दोनों के दोनों, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आप क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ध्यान रखना न्यूक्लियोटाइड्स भी कह देते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है पॉलीमर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, बहुलक होते हैं इसलिए इसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी कह देते हैं। बहुत अच्छा, सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई है, देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन डी, न्यूक्लियोटाइड्स बेस शुगर फास्फेट। बहुत अच्छा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, डी होगा इसका सही उत्तर। सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है और बेहतरीन सवाल, मैं देखना चाहूँगा इस सवाल के कितने लोग सही आंसर करते। द अल्टीमेट प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन। मैं अगर कहूँ कि सेशन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अल्टीमेट प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण निम्नलिखित प्रयोग से प्राप्त हुआ था, अंतिम प्रमाण, एक लाइन पढ़ रही हो ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवेरी, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, मैक्लियाइड एंड एमसी कार्टी एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों को पता होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दिया था, और वो किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने न्यूक्लिक एसिड, अगर हम कहें कि डीएनए को इन्होंने ट्रांसफार्मिंग नाम दिया था, लेकिन डीएनए सिद्ध किसने किया था इस एक्सपेरिमेंट को, तो तीन वैज्ञानिक आए थे, एवेरी एम, आपने कहा एवेरी, मैक्लियाइड, एमसी कार्टी, तो इसमें फिर हर्से एंड चेस तो हो गए ही नहीं, ग्रिफिथ भी हटा दो क्योंकि इन्होंने तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ट्रांसफार्मिंग कहा था, क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मिन कहा था, ध्यान रखना। लेकिन एमसी कार्टी और मैक्लियाइड और एवेरी भी थे इसमें, है ना, तो इसके लिए हम दो नहीं करेंगे, मेनली मैक्लियाइड एमसी कार्टी, इन दोनों ने सिद्ध किया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या करेंगे, डी, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड इवनिंग दशरथ। चलिए हम डी पर जाएंगे, हर्से एंड चेस क्यों कर रहे हो, हर्से एंड चेस तो नहीं थे, हर्से एंड चेस क्यों कर रहे हो, डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर दो, कुछ कोड दिए गए हैं और आप लोगों को उसको सिलेक्ट करना है, सही आंसर उस कोड में से एक सही आंसर चूज करना है। चलो कोड ये है, डिप्लोटीन डाइकेनेसिस लेप्टोटीन पैकेटीन, यूजिंग द कोड गिवन अबव आंसर
द क्वेश्चंस व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज. आपको पता है कि मियोटिक प्रोफेज में कुछ सब स्टेजेस बांटी गई थी, है ना, और सब स्टेजेस के लिए हमने सबसे अच्छा आपको एक ट्रिक दिया था, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे अगर आप लोगों को वो ट्रिक याद होगा. मैंने ट्रिक क्या दिया था बताओ, एलजी पांडे डिप्टी डायरेक्टर, क्या दिया था, एलजी पांडे डिप्टी डायरेक्टर. ये ट्रिक याद रखना, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा. हमने आपको ट्रिक दिया था एलसी पांडे डिप्टी डायरेक्टर. एल से हो जाएगा लैप्टोटीन. चलो यहीं पे हम दिखा देते हैं, एल फॉर लैप्टोटीन, जी फॉर जाइगोटीन, क्या होगा जाइगोटीन. पांडे से हो जाएगा पैकेटीन, पांडे से पैकेटीन. डिप्टी से हो जाएगा डिप्लोटीन, और डायरेक्टर से हो जाएगा डाइकेनेसिस. अब इसका ऑर्डर बता दो सही. तो सबसे पहले क्या होगा, नंबर एक लैप्टोटीन, उसके बाद क्या होगा बताओ भाई, जाइगोटीन है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, तो पैकेटीन ये कहा. तो आप देखो पहले सी सी डी ए बी, ये होगा राइट आंसर सी, है ना. इसका ऑर्डर भी आप सजा सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, मैंने आपको क्रम बता दिया, सबसे पहले क्या आएगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद क्या आ जाएगा इस ऑर्डर के आधार पे, इस ऑर्डर के आधार पर पैकेटीन, पैकेटीन उसके बाद देखो पैकेटीन के बाद क्या आ जाएगा देखो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और उसके बाद क्या आ जाएगा डायकाइनेसिस. लेकिन इससे पहले यहां बीच में जाइगोटीन भी होता है, लेकिन इस सवाल के आधार पर हमने ये ऑर्डर आपको दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर दिया. देन आंसर इज गोज टू सी दैट क्वेश्चन. हाँ कुमकुम बहुत अच्छा, एल जे पी डी डी. हाँ ऐसे याद रख लेना. हाँ प्रिया प्रिया ने देखो याद कर लिया, एल जी पांडे डिप्टी डायरेक्टर कभी नहीं भूलोगे, एल फॉर लैप्टोटीन और जी फॉर जाइगोटीन, पांडे फॉर पैकेटीन, डिप्टी से डिप्लोटीन और डायरेक्टर से डाइकाइनेसिस, जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा. जैसे आप याद कर पाए अपनी एक शॉर्ट ट्रिक बना लो, उससे याद कर लो. देखो डीएनए रेप्लिकेशन ही अभी पढ़ा रहा था मॉलिक्यूलर में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर्ड. अब इसमें क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज और डीएनएज. पर ध्यान रखना, जब ओकाजाकी जाके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जब डीएनए एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो इसमें आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज. ये तो यूज होगा क्योंकि ये आरएनए प्राइमर बनाएगा, क्या बनाएगा आरएनए प्राइमर्स, और आरएनए प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज रिमूव करता है, है ना. ये क्या करता है रिमूव प्राइमर, ये प्राइमर को रिमूव करता है. और लाइगेज क्या करता है, ये ज्वाइंटिंग का काम करता है, ये ज्वाइनिंग का काम करता है, ज्वाइंडिंग करता है अगर हम बात करते हैं तो, ये ज्वाइंडिंग करता है. लेकिन डीएनएज ये इसका यूज रेप्लिकेशन में नहीं होता है, ध्यान रखना डीएनएज इज नॉट यूज्ड इन चलो हाँ बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन. चलो बहुत अच्छा, बहुत सारे मित्र बहुत सारे साथी हैं जो राइट आंसर दे रहे हैं. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी डी फॉर डीएनएज, बेहतरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए फटाफट आंसर करिए. लिखा गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस सेल विल बी. देखो अगर कोई सेल है और सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है केंद्रिका, है ना, ये क्रोमेटिन थ्रीड है. न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियोलस को हम डिस्ट्रक्ट करते हैं,
नष्ट कर दें। तो लिखा गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विल बी, अगर न्यूक्लियस को डिस्ट्रक्ट कर देते तो स्टिमुलेट सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देगा, काहे कर देगा, किल द सेल, सेल किल हो जाएगी क्या, कॉज जीन म्यूटेशन इन द सेल, जीन म्यूटेशन कर सकती है, हाँ बिल्कुल जीन म्यूटेशन कॉज करती है न्यूक्लियस, इनवेट द सेल डिवीजन, नहीं इनवेट नहीं करता है, इसका राइट आंसर क्या करोगे सी। हिंदी भी पढ़ सकते हो, बगल में हिंदी भी लिखा गया, कोशिका में केंद्रक का विनाश होगा, कोशिका की केंद्रिका का विनाश होगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका को मार डालो, कोशिका में जीन उत्परिवर्तन का कारण बनता है, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलो ऑप्शन डी कुछ लोग बता रहे हैं, कॉज जीन म्यूटेशन इन द सेल, बहुत अच्छा कोमल, प्रीति, अमृता, बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र हैं जो राइट आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, और बेहतरीन सवाल, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग कर भी ले जाओगे इसको, इजी क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, ये होता है मियोटिक सेल्स में, माइटोटिक सेल्स में, बोथ मियोटिक एंड माइटोटिक सेल्स में, या म्यूटेटिंग सेल्स में। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है ये प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज में होता है, किस में होता है, प्रोफेज फर्स्ट की, अगर हम बात करें प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन सब स्टेज में, किस में होता है, पैकेटिन सब स्टेज में। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटिन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो ये पैकेटिन स्टेज किस में है, इट अकर्स ओनली इन, ध्यान रखना, मियोटिक डिवीजन, केवल और केवल किस में होगा, मियोटिक, नॉट माइटोसिस, ओनली मियोटिक, नॉट बोथ, नॉट माइटोसिस, म्यूटेंट सेल्स में होगा ही कहे, तो राइट आंसर आप लोगों ने करा होगा, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोटिक डिवीजन ओनली, बिल्कुल। इराम खान, बहुत अच्छा, ए, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द, सुरभि शुक्ला भी आ गई है, बहुत अच्छा, सोनम सिंह ए, बहुत अच्छा, श्रद्धा, सभी के सभी दोस्त, राधे कृष्णा भी है, बहुत अच्छा, कुमकुम, वेल डन। जम सेल्स में होता है, और मियोटिक डिवीजन अकर्स इन जम सेल्स, कुमकुम, ये भी निश्चित है। एंजाइम दैट क्लीवेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक साइट पर काट देते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे समा है, जैसे इकोराई है ना, जैसे पॉलीमरेज थर्ड है, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो वो एक स्पेसिफिक साइट पर काटते हैं, जैसे लाइगेस है, एक्सो न्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस है, या इंडो न्यूक्लियस है। तो कौन कौन से एंजाइम हैं जो स्पेसिफिक साइट पर काटते हैं, तो ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस जो होते हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बनाते हैं, और लाइगेस एंजाइम क्या करता है, ये बाइंडिंग का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है, बट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये फ्रेगमेंट्स को तोड़ता है स्पेसिफिक साइट पर, जैसे आज एडनिन, और अगर पूछा जाए ग्वानिन के बीच में कौन सा एंजाइम काटता है, तो ई कोराई है, ऐसे तमाम हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी में, बायोटेक में आपको सारे के सारे एंजाइम्स पढ़ाए हैं, जितने भी साथी पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट ऑन योर स्क्रीन, आठवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हेलो, हाँ सर, अच्छा ठीक है, चलो भाई, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, हाँ बिल्कुल, हिंड सेकंड है, वाल फर्स्ट भी है। लिखा गया द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द कोर्स ऑफ सेल साइकिल इज, आपको पता है सेल साइकिल में स्टेप कौन कौन सी होती है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है परीक्षा में, क्वेश्चन तो इजी है अगर पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तो टफ है। तो
एक बार जिन लोगों ने पढ़ा होगा सेल साइकिल को, तो सभी को पता है इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर हम देखेंगे सारी की सारी स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज G1, एस सिंथेटिक, G2 और AM स्टेज, है ना, माइटोसिस या मियोटिक। तो यहाँ से शुरू होती है इंटरफेज और ये आपने का मियोटिक या माइटोटिक फेज। तो कहाँ गया G1S G2M, बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इसमें बी होगा सही सवाल, इंटरफेस ग्रोथ फेज, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट। शालिनी बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर। सुषमा किरण भी आ चुकी हैं, सभी लोगों ने इजी क्वेश्चन था आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, नौवां सवाल साइटोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, आपने का निम्नलिखित में से कौन सा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है, बताइए गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से कौन सा बना होता है, राइबोसोम बनता है, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्रोमोसोम। सभी को पता है क्रोमोसोम स्ट्रासबर्गर वाल्डेयर, है ना, ये क्रोमेटिन थ्रीड्स जब ब्रेकडाउन स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बनाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको हम इंडोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम की अगर बात करते हैं ध्यान रखना आत्महत्या की थैली जो किसके द्वारा बनती है, तो गॉल्जी अपरेटस से, गॉल्जी बॉडी से। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है और ये इसी पर पाए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो राइट आंसर क्या करोगे, लाइसोसोम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइसोसोम सोसाइड बैग ऑफ सेल किया होगा, राइट आंसर लाइसोसोम इज द राइट आंसर, बिल्कुल। ऑल ऑफ यू आर सेइंग द नॉट सी, बी होगा बेटा, लाइसोसोम इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इसका सही जवाब बी था अस्मिता, बिल्कुल सुसाइडल बैग ऑफ सेल, हाँ बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दसवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये सवाल तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम है, पॉलीटीन क्रोमोसोम है, मल्टी वेंडेड क्रोमोसोम है या लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लार्जेस्ट क्रोमोसोम की जब भी बात करते हैं गैंट क्रोमोसोम की, तो भाई ये सवाल भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, ऐसे सवाल आपको याद होने चाहिए और आप ऐसे नज़र से घूर दो एक बार गोला काला हो जाए, इसलिए नज़र से घूर दो गोला काला हो जाए क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट परीक्षा में आपको मिलेंगे। जब आप लोग पेपर देकर आओगे तो ज़रूर याद करोगे, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उछल जाओगे पेपर देने के बाद कि ये सब क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और हर बार कहीं इनके पेपर में टहलते मिलते हैं। देन लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज लैम्ब्रस क्रोमोसोम, कौन सा है, बालवियाली रिंग किस में पाई जाती है, तो फाउंड इन क्रैमस फर्स्ट टाइम महबूफ आलम, चलो 10th लैम्ब्रस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एम्फीबियन ओसाइट्स, बेहतरीन डी। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी, जो नए बच्चे होंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बीपीएससी को लेकर हम धुआंधार प्रैक्टिस कराएंगे, ईएमआरएस को लेकर भी धुआंधार प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि दोनों एग्जाम लगभग सेम टाइम पर है। कहाँ उड़ गया सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 11 था। ये सवाल भी बेहतरीन है अगर हम बात करते हैं, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्टोन्स हैव 20-30%, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या रिच होता है और क्या लेस अमाउंट में होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन में अधिक मात्रा में पाई जाती है लाइसिन प्रोलिन, आर्जिनिन लाइसिन, अच्छा ये आर्जिन है, ये लाइसिन है ना, लाइसिनिंग है, और ये आर्जिनिन और लाइसिन है, ये आर्जिनिन और ल्यूसिट है। तो हिस्टोन्स रिच होती हैं, तो देखना हिस्टोन्स में आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है,
देन सी इज द राइट आंसर, आर्जिनिन और लाइसिन, है ना। अगर हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स में, H1, S2, S3, मतलब फाइव टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, पांच। आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है, हिस्टोन प्रोटीन रिच आर्जिनिन एंड लाइसिन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे आंसर करेंगे। मैक्रोमालिक्यूल्स इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स बाई, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल मालिक्यूल्स होंगे तब तो वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से चले जाएंगे, लेकिन अगर मैक्रो मालिक्यूल्स होगा, अगर सॉलिड और मतलब बड़ा पार्टिकल होगा तो वो कैसे जाएगा। मैक्रो मालिक्यूल प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, इंडोसाइट्स के द्वारा या फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, एक्सोसाइट्स के द्वारा। इनमें स्पेसिफिक चैनल होते हैं और स्पेसिफिक चैनल को फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, एक सटल के द्वारा, स्पेसिफिक चैनल्स के द्वारा प्रोटीन इन चैनल पर गेट का काम करते हैं और उनके द्वारा ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन के माध्यम से ही मैक्रोमालिक्यूल्स एंटर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। तो राइट आंसर कौन सा करोगे, सी, देन सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे। ए डी एन ए चैन हैज, अब ए डी एन ए हो चाहे बी डी एन ए हो, इनके चैन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब आपकी पेंटोस शुगर होती है, पांच कार्बन की शर्करा होती है, तो मैंने आपको एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी दिखाया था पेंटोस शुगर में, है ना, पांच कार्बन की शर्करा आपने ऐसे देखा था, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, है ना, और यहाँ पर पांच कार्बन शुगर होती है, बिल्कुल फाइव कार्बन शुगर। तो उस कंडीशन पर आप देखोगे पांच कार्बन, है ना, छः नहीं होते, पांच कार्बन की शुगर होती है। तो किससे, तो फाइव डैश पर फास्फेट होता है और थ्री डैश पर OH एंड होता है, फाइव फास्फेट थ्री फास्फेट, नहीं नहीं ध्यान रखना, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप लगा रहता है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा रहता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था ये, कितने लोगों ने सही कर पाया, कोमल, कुमकुम और अस्मिता, सभी लोगों ने सही किया, बेहतरीन, शालिनी आनंद, सी। इसमें फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर पांच से होता है और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप वो लगा रहता है कार्बन नंबर तीन से, किससे लगा रहता है, थ्री कार्बन से लगा रहता है। तो ये मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था मॉलिक्यूलर में, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है और आप लोगों को याद भी हो गया। अब मैं क्या ही इसका बताऊं, जावा मैन, जावा ऐप मैन वाज डिस्कवर्ड बाई, बताओ, लीकली या डेविडसन या डूबियस या क्यूबियर, ये तो रट गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ जरूर याद हो गया होगा। सभी लोग फटाफट उड़ाइए क्वेश्चन को, हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट। जाबा मैन में मैं देखना चाहूँगा, चलिए हाँ, डूबियस, सी, सभी लोग दे रहे हैं राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, डूबियस, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जाबा मैन डिस्कवर्ड बाय डूबियस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी के सभी साथी धुआंधार तरीके से राइट आंसर कर रहे हैं और इसका डूबियस, बिल्कुल यूजीन डूबियस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल, ये बेहतरीन सवाल अगर कहेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार बॉडी इन सेल फॉर्म डाउन सिंड्रोम्स इन फीमेल। आपको पता है बार बॉडी जो होती है वो इस प्रकार से एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाती है फीमेल में, तो आपको पता है जब एक्स क्रोमोसोम होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर ऑटोसोम पर, इसमें 21वें नंबर ऑटोसोम पर क्या हो जाती है बताओ, 21वें नंबर ऑटोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है,
तो ट्राइसोमी होने पर इसमें 2n+1 हो जाता है, क्योंकि एक बारबॉडी फीमेल्स में स्पेसिफिक फॉर्म हो जाती है एक्स्ट्रा, तो सिंगल बारबॉडी फॉर्म होती है। और जब बच्चे का जन्म होता है इस पर एज फैक्टर काम करता है, अगर फीमेल की आयु ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, और मेल की एज कम है, तो ऐसे दोनों की शादी कराने पर, क्रॉस कराने पर मेंटल रिटार्डेड बच्चा हो, है ना, उसका जीभ मोटा होगा, होंठ मोटे होंगे, लाल टपकता रहता होगा, मेंटल रिटार्डेड होता है, ऐसा चाइल्ड बर्थ करता है, तो सिंगल बार बॉडी पाई जाती है। इसमें कितनी होती है? सिंगल बार बॉडी प्रेजेंट इन डेंस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इन फाउंड। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन ए जीन म्यूटेट्स फ्रॉम ए म्यूटेंट एलील बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, सच म्यूटेशन इज कॉल्ड। लिखा गया एक जीन म्यूटेट हुआ फ्रॉम अमाउंट आपने का इम्यूटेंट एलील बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म में फिर से रिवर्स हो गया, तो उसे फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, सबस्टिट्यूट म्यूटेशन कहते हैं, रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन कहते हैं। जब एक जीन उत्परिवर्तित एलील से वापस मूल में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्या कहते हैं बताइए। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या करेंगे आप लोग? वो विल गिव द राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम में तो ट्राइसोमी 21 नंबर पे होता है। हाँ बिल्कुल, ट्राइसोमी होती है। 16 में सी रिवर्स म्यूटेशन। सुरभि, अमृता, सोनम, बहुत अच्छा रितु, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर। सी रिवर्स म्यूटेशन होता है। रिवर्स का मतलब सेम कंडीशन में वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन द एंकल बोन वॉज वेल डेवलप्ड फर्स्ट इन। मनुष्य के विकासवादी इतिहास में देखने की हड्डी सबसे पहले अच्छी तरह से विकसित हुई थी किसमें बताइए? होमो सेपियंस फॉसिल्स में, होमो सेपियंस नियंडरथैलेंसिस में, होमो इरेक्टस में, होमो हैबिलिस में। तो ये आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले एंकल बोन, जो एड़ी की हड्डी थी, वो वेल डेवलप्ड किस में हुई थी? अगर हम मानव के ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं चलो भाई 17 में महबूब आलम डी बता रहे हो, डी तो नहीं होगा। काव्य कनौजिया 16 का सी, हाँ। माही 17 का, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, जो होमो सेपियंस नियंडरथैलेंसिस था, नियंडरथल, इसमें एंकल बोन वेल डेवलप्ड थी, तो वेल डेवलप्ड एंकल बोन वाज फर्स्ट इन नियंडरथल में हुआ था। सबसे पहले इसका एड़ी का हड्डी अच्छी तरह से विकसित था। नियंडरथैलेंसिस इज द राइट आंसर। दैट क्वेश्चन बी होगा, नॉट सी नॉट डी। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं दे पाए। चलिए सूची मिलान करो। 18 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ए का चौथा होगा। लैमार्क दिए थे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, लैमार्क दिए थे। ह्यूगो डिब्रीज म्यूटेशन दिए थे, AI ओपेरिन ओरिजिन ऑफ लाइफ दिए थे, और डार्विन नेचुरल सिलेक्शन दिए थे। तो मैच कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? एक अचार एक में ही है, और लैमार्क का पहला है, ह्यूगो डिब्रीज का म्यूटेशन है दूसरा, और ओरिजिन ऑफ लाइफ AI ओपेरिन। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। दैट क्वेश्चन आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। कुमकुम रुचि निकिता कोमल हरितेश दुबे, बहुत अच्छा। सुरभि शुक्ला रुचि अंकिता भटनागर राधेकृष्णा सोनम सिंह, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आप सभी लोगों के जवाब सही हैं इस सवाल के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। देखो एक सवाल दिया गया है, द फीमेल प्रोजनी ऑफ एन अटेस्ट एक्स फीमेल ड्रासोफिला गेट देयर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर। यक्ष सहलग्न मादा ड्रासोफिला की मादा संतान को उनके यक्ष गुणसूत्र प्राप्त होते हैं किससे? जैसे ड्रासोफिला के करैक्टर्स हम लोगों की तरह होते हैं,
बस यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि एक्स जो मिलेंगे फीमेल में वो दोनों से मिलेंगे, बोथ मदर एंड फादर, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम दियर ड्रासोफिला किट किससे प्राप्त करेगा, तो ड्रासोफिला में दोनों मिलेंगे। बेहतरीन, बहुत अच्छा। और ललिता कुमारी, सॉरी सर मैं तो ये चैप्टर नहीं पढ़ी हूँ इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं ललिता, जब पढ़ोगे तो सही हो जाएगा। अमृता, वेल डन अमृता, वेल डन। अच्छा हाँ, इसका एक्स जीरो होगा यहाँ पर, एक्स वाई तो मेन में हो जाता है, एक्स जीरो, तो फिलहाल एक्स एक्स दोनों से मिलेगा। बिल्कुल निकिता, मदर एंड फादर बोथ होगा, इसका बेटा एक्स जीरो होगा, बिल्कुल, तो दोनों से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ऑन स्क्रीन। ये तो अच्छा सवाल है और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया और आप लोगों को याद भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए मॉडल वाटसन एंड क्रिक वास कॉल्ड, इन्होंने कौन से मॉडल पे दिया था, सी डी एन ए, डी डी एन ए, जेड डी एन ए, बी डी एन ए। डी एन ए को ऑन द बेसिस ऑफ वेस पेयर के बेस पर ये बांटे गए थे, किस बेस पर, बेसिस ऑफ बेस पेयर, नाइट्रोजनस जो बेस पेयर्स थे इनके बेस पर डीएनए को बांटा गया था, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए। तो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए मॉडल, किस बेस पर दिया था बताइए, इन्होंने किस बेस पर दिया था, बेसिस ऑफ बेस पेयर, और बेस पेयर कितने थे, बी डीएनए में, सॉरी बी डीएनए में 10 बेस पेयर थे, कितने बेस पेयर्स थे, 10 बेस पेयर वास हियर, डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। तो 20 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और बड़ा अच्छी क्लास चल रही है, बट बी डीएनए एडवांस्ड जी के क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है, सभी बच्चे कंटिन्यू क्लास में भी हैं, थोड़ा सा एक्चुअल में एक सर हमारा वेट कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, और मैराथन क्लास था, कल संडे है, कल मैं एक बड़ी क्लास आप लोगों की लगाऊंगा, और संडे को EMRS को लेकर, मैंने कहा संडे को कल शाम 7 बजे से लेकर एक लंबी क्लास लूँगा, EMRS को लेकर हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो स्पेशली वो हम EMRS को लेकर एक बड़ी प्रैक्टिस कराएंगे संडे को, तो आप लोग कल तैयार रहो। और NCERT बेस्ड के क्वेश्चंस होंगे, लेंथी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो EMRS को लेकर एक हम बेहतरीन मैराथन क्लास लेंगे जिसमें EMRS के क्वेश्चंस होंगे कल संडे को, संडे संडे EMRS करवा देंगे, इधर BPSC करवा दे रहा हूँ, EMRS और BPSC दोनों हम अल्टरनेट करा देंगे जिससे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज मुझे थोड़ा सा जाना रहेगा, तो सेशन के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, सभी लोग सेशन से जुड़े आप लोगों का बहुत सारा आभार, और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर लिया करो, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन कल, तब तक के लिए लेता हूँ विदा, थैंक यू सो मच फॉर द, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।